Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata सेवा का मौका दिया है और मैं जितना समझी हूँ उतना ही बोलूंगी। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, एंड आप सबका स्वागत है हमारे नित्यम भागवतम सेवा में, साधु संघ में। और आज हम देखेंगे भागवतम के पहले स्कंद के 13 अध्याय का पहले स्कंद के 13 अध्याय का 46वां श्लोक। उसके पहले मैं प्रेयर कर लूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं तं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोजयं मुदीरये सप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिवान् पहला स्कंद 13वां अध्याय और 46वां श्लोक। काल कर्म गुण अधीना देह अयम पाश भौतिक कथम अन्यान तुम को पाए सर्पग्रस्त यथा परम। काल कर्म गुण अधीना देह अयम पाश भौतिक कथम अन्यानत गोपाये सर्पग्रस्त यथा परम। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही काल कर्म तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो यह किसी तरह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में पड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। तो आज हम ये श्लोका से पहले जो पिछले श्लोका में हमने देखा कि नारद जी का आगमन हो चुका है और नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि हरे कृष्ण एक मिनट तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे थे या विदुर जी या धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में, क्योंकि वो जब उन्होंने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उनके जो मतलब धृतराष्ट्र विदुर जी और गांधारी जी अपने कक्ष में नहीं है, तो मैं उन्हें बड़ी चिंता होने लगी कि ये लोग कहाँ गए और वो हम उनके बगैर कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए नारद जी जो युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को मिलने आते थे, उनके वो प्रिय भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो उनके उन्हें मिलने आते थे, तो उनने नारद जी बता कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। उनको चिंतित देख के उन्हें सारा था कि उन्हें सातोरा दे रहे थे कि तुम चिंता मत करो। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बताते हैं कि संजय से पूछते हैं कि विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ पर है। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी आता है कि हम शुद्ध भक्त किसे कहते हैं, तो शुद्ध भक्त कौन है, जो शुद्ध भक्त कौन कहलाता है, जो अत्यंत श्रद्धालु विद्वान और विरक्त होते हैं। अत्यंत श्रद्धालु विद्वान और विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो भगवान के शुद्ध भक्त हमें अज्ञान सागर से दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कराते हैं। तो शुद्ध भक्त में हम देखेंगे कि
कौन कौन होते हैं शुद्ध भक्त हैं, जैसे हमारे पूर्व आचार्य है, हमारे गुरुजन है, वरिष्ठ भक्त है, जो हमें इस अज्ञान सागर से दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन बताते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नारद जी शोक मत करो, ये बात नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहने की, मतलब युधिष्ठिर महाराज को कहने की उनको आवश्यकता ये क्यों पड़ी थी, उनको क्यों जरूरत पड़ी थी कि वो युधिष्ठिर महाराज को कहे के शोक मत करो, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के साथ चले जाने से अत्यधिक अभिभूत थे। इससे यह भी ज्ञात होता है कि शुद्ध भक्त भी पूर्ण रूप से भगवान के अधीन है। नारद जी युधिष्ठिर को शोक न करने के लिए भी बोलते हैं, शोक इसलिए न करने के लिए क्योंकि प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और आगे हम देखेंगे सभी जीवों ने इस संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और हम इस तरह प्रकृति के नियमों से बंधे हुए और इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण है और अज्ञान के कारण हमेशा लगता है कि वो हमारे पे डिपेंड है। जैसे कि पहले कहा गया है कि हर जीव का पालन हर भगवान कृष्ण है, फिर भी अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम, मतलब जो अज्ञान के कारण हम ये समझते हैं कि हमारे सगे हम पर आश्रित है। अज्ञान का प्रतीक कौन है, तमोगुण। और रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों के सही दिशा नहीं दे पाते, केवल सतोगुणी ही किसी हद तक दे पाते हैं। प्रकृति के गुणों के ऊपर समय है जिसे काल कहा जाता है और काल से कोई बच नहीं पाता। इसे काल इसलिए भी कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। तो यदि हमें इस बदलाव पर रोक लगानी है तो हमको काल से छुटकारा पाना होगा और काल से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, डिवोटियों का संग करके और भक्ति करके। भक्ति हम अकेले नहीं कर सके, तो हमें डिवोटी का संग चाहिए क्योंकि वो एक ऑक्सीजन का काम करते हैं, वो मैं हमेशा भूलती हूँ। और आज के जो आज का जो श्लोका है उसमें नारद जी, आज के श्लोका में नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि लोग यह सोचते हैं कि दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, परंतु वास्तव में यहाँ पे एक वर्ड आता है देहो। देहो देहो मतलब यह भौतिक शरीर पांच भूतों से बना हुआ है, अर्थ वॉटर फायर इथर एयर, और उसमें आत्मा कैद है। बद्ध आत्मा काल कर्म और गुणों से प्रभावित है, तो यह बद्ध आत्मा जो कैद है वह किसी और को कैसे संभाल सकती है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ खुद दोनों हाथ उसके बंधे हुए तो वो दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है, तो ऐसे यहाँ पे नारद जी ने एक अजगर सर्प का उदाहरण देते हैं कि मानो कोई व्यक्ति अगर अजगर के मुख में फंसा है वह किसी और को की सहायता कैसे कर सकता है, अगर वह करे भी तो उस व्यक्ति को अजगर के मुख में ले जाएगा। इसमें एक स्टोरी है लेकिन वो मुझे एक स्टोरी बोली लेकिन वो थोड़ी इंग्लिश में है तो मैं पढ़ सकती हूँ इंग्लिश में। या माता जी प्लीज सॉरी प्रभु, मुझे वो थोड़ा हिंदी और ये हो रहा था इसलिए।
तो यहाँ पे जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कि चीटी से लेके ब्रह्मा जी से लेके चीटी तक का हर क्या उसपे जहां मैंने पढ़ा था कि नारद जी युधिष्ठिर को शोक न करने के लिए कहते हैं, तो क्यों न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो इससे एक छोटी सी स्टोरी है, पर मेरे पास इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। इन मायापुर श्रील प्रभुपाद लिव इन टू रूम्स। वन रूम वॉज हिज सिटिंग रूम वेर हिज ट्रांसलेट एंड रिसीव गेस्ट। नेक्स्ट डोर वॉज हिज बेडरूम बट ही ऑल्सो यूज्ड इज टू ऑनर प्रसादम। सो देर वॉज अ स्मॉल मार्बल प्रसादम टेबल, चौकी जो मार्बल के छोटा टेबल होता है, तो उनके बेड के वो पास में था, सेट अगेंस्ट द वॉल टू द राइट ऑफ हिज बेड। जून इज जनरली वेरी हॉट, सो वेन श्रील प्रभुपाद टुक लंच प्रसादम, sometimes I would fan him with a peacock fan. It not only created a breeze but also kept the flies away. However, when Srila Prabhupada took his lunch, it immediately became known by the resident ant population. They always had source codes running along the walls, and within minutes of putting his plate on the table, they would call in the battalions. Once in Los Angeles, Srila Prabhupada told me to put some turmeric down at the spots they were entering. It worked in Los Angeles. I suppose those ants were more materialistic. The ants in Mayapur could not be stopped. Obviously, they were spiritual entities and they could not be discouraged from taking Mahaprasadam remnants from the plate of the pure devotee. I watched as hundreds of ants ascended up the leg of Choki, circling his plate to finally descend upon his prasadam. They seemed to know exactly when they were allowed on a certain preparation. Srila Prabhupada would eat in stages. First, there were the vegetables and chapatis. The rice was mixed in later on, and then finally the sweets were eaten. Initially, they would congregate around the plate. Gradually, they would work their way onto the preparations that Srila Prabhupada had finished with. It seemed like the ants had a little courtesy. Finally, Srila Prabhupada would finish his meal with a few sweets and get up to wash. For the ants, the moment they had been waiting for had arrived. They knew now was the time to dive into the sweet. Incredibly, Srila Prabhupada never said one word about them during this daily attack on his lunch. This was not an isolated incident. It happened with great regularity. There seemed to be an arrangement between the pure devotee and these tiny insects. He was free to take as much time as he wanted, and they were allowed to eat whatever he was finished with. Srila Prabhupada ki jai. भौतिक जगत में लोग काल कर्म और गुणों से प्रभावित हैं। केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आपको बचा सकते हैं, इसलिए हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। उदाहरण है पूर्व आचार्य, गुरु वृंद और वरिष्ठ भक्त। और अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह भगवान की कृपा के कारण हो सकता है। इस श्लोका में एक जो तात्पर्य में उदाहरण दिया गया है भगवत गीता के 14.26 का, तो मैं छोटा सा एक उसका अनुवाद है वो पढ़ूंगी श्लोका के साथ। मामम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्येते तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसका अर्थ है जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म से स्तर तक पहुंच जाता है।
यहाँ पर श्री कृष्ण अव्यभिचारी व्यक्ति योग की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति किसी व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार नहीं करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारी व्यभिचारिणी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति में व्यभिचार का अर्थ है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति के साथ स्त्री भक्ति के साथ अन्य देवताओं की भी भक्ति करते हैं। जिस प्रकार अव्यभिचारिणी स्त्री वह होती है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष की सेवा न करे, उसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है ऐसी भक्ति जिसके द्वारा हम केवल श्री कृष्ण की ही सेवा करते हैं, अन्य देवताओं की सेवा नहीं करते हैं। इसीलिए हमें जो देवी देवता है उन्हें भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें उनका निराधार नहीं करना है, उनको आदर से यही कहना है कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, क्योंकि एक हमें जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होना है, हमें काल को भी पीछे करके हमें आगे भक्ति योग से आगे बढ़ेंगे और देवी देवताओं को प्रार्थना करेंगे कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए मैं मेरे बेटे को भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर तुम मंदिर में भी जाते हो तो हमें कृष्ण को, हमें शिव जी के को भी प्रार्थना करनी है कि हमें कृष्ण भक्ति दीजिए, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। और हम यही बात हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें अगर हम उनको भी बोलते हैं कि, तो उन्हें इतना समझ में नहीं आता, लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि ठीक है आप कहीं पे रथ यात्रा है या कहीं पे कीर्तन है तो आप लोग वहाँ पे आइए, तो उनका वो क्या, उनका एक सेंटेंस होता है कई लोगों का कि हाँ नसीब में होगा तो जरूर आएंगे, लेकिन नसीब में ये भी होगा कि हम भक्ति करें तो हमारी सशुद्धिकरण हो और हम आगे बढ़े, लेकिन उन्हें वह भक्ति की बात में जो होता है उसी में ही वो लोग हम बोलते हैं, मतलब मटेरियल लोग जो होते हैं वो ये इसी बात में बोलते हैं हाँ नसीब में होगा तो आ जाएंगे, नसीब में होगा तो जरूर करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें हमारी भक्ति कैसे बढ़ानी है, हमें लोगों को आगे प्रोत्साहन कैसे देना है, हमें डिवोटियों का संग रखना है और भक्ति करके हम भक्ति योग कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा एंड रियली वेरी सॉरी, मैंने बहुत छोटा सा प्रयास किया था और बहुत ही कम टाइम में मैंने अपना क्लास खत्म कर रही हूँ, तो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, एंड अगर कुछ ऐड करना हो या मुझे मेरे से जो गलती उसको करेक्ट करना हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए, हम लोग को जो है जितना समझा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। माता जी वो बहुत अच्छे से किया आपने, तो थैंक यू उसके लिए। तो क्विकली मैं पूछना चाहना, किसी को कोई इसमें ऐड करना है, कोई क्वेश्चन है कमेंट से, तो हम लोग ले सकते हैं, हमारे पास टाइम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, उसमें से मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगे जो आपने बताया कि व्यभिचारिणी भक्ति वो नहीं करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये था कि जो हम लोग इस प्रकृति के तीनों गुण और जो काल सर्प है समय का, उससे अगर बचना चाहिए तो हमें भक्ति करनी चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी जैसे जो जगत गुरु होते हैं, विश्व का हमेशा सब जीवों का कल्याण चाहते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें भक्ति का उपदेश मिलता है, उनके जैसे उनके जो शिष्य है वो आचार्य है उससे। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास अच्छा था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी क्लास बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने बताया कि वो व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति
प्योर लव चाहिए कृष्ण को, एंड मतलब हम लोग को वही प्रयास करना है कि हम लोग वो लव के तरफ पहुँचेंगे। और आपने जो एग्जांपल दिया था कि लोग बोलते हैं कि भक्ति में भगवान की अगर इच्छा होगी तो हम जाएंगे, तो एक अमोघ लीला प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग जो भक्ति करते हैं वो अपने नसीब में नहीं लिखा रहता है, वो हम लोग को खुद को प्रयास करना पड़ता है। अगर हम लोग भक्ति कृष्णा की करना चाहेंगे तो वो अपने दिल से निकलना चाहिए, वो एफर्ट अपनी तरफ से निकलना चाहिए। बाद में एफर्ट का वो जो रिजल्ट है, बाद में जो हम लोग बोलते हैं कि वो डिवोटीज कृष्णा और जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर है, फिर उनकी मर्सी अपने को मिलके फिर हम लोग आगे जाएंगे या नहीं, वो फिर कृष्ण पे छोड़ना है। लेकिन जो इनिशियल एफर्ट है वो अपने तरफ से निकलना चाहिए और वो अपने वो नसीब में नहीं रहता है। वी हैव टू डू इट एक्सप्लिसिटली। हरे कृष्णा माता जी, जस्ट ए पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, बस ये जैसे तात्पर्य में भी यही बताया गया है कि यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। और भक्ति, जैसे मैंने बताया कि हमारी भक्ति हम अकेले चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिवोटी का साथ होना बहुत जरूरी है। डिवोटी का साथ होगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु का शरण होगा हमारी। जैसे मैंने नोटिस किया, ये पढ़ना जब मैं एक क्लास की तैयारी करती थी तो मैंने वो नोटिस किया कि जैसे लास्ट दो तीन दिन से गोपी मनो प्रभु भी जो पांचवें स्कंद का हमारा जो रात का क्लास है उसमें भी वही टॉपिक चल रहा है कि जैसे हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और हमें वैष्णव अपराध और वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए और हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सब जो दो तीन दिनों से, जैसे जया का भी क्वेश्चन था कि डेमी गॉड्स का की भक्ति का, और ये सब जो, तो ये जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी तो यही क्वेश्चन मेरे दिमाग, मतलब बात मेरे दिमाग में आई थी कि भक्ति योग जो है उसी से आगे इसमें ये भी दिया गया है कि जिसकी कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। और सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के वश में बचाया जा सकता है, माया के वश से बचाया जा सकता है। और हम यही प्रयास करते हैं कि हम खुद भी भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों को भी प्रोत्साहन दे और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तो हमारा ये साधु संघ का भी यही कार्य है कि हम सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास करते हैं, और हम लोगों को ये भी चांस देते हैं कि अगर आप सुबह को किसी वजह से अटेंड नहीं, मैं किसी को बोलती हूँ कि अरे दो टाइम क्लास होता है तो अगर आप सुबह नहीं आ सकते हो तो आप शाम का क्लास भी अटेंड कर सकते हो। मतलब ये ने के ने प्रकार ने हमें यह प्रयास करना है कि हम लोगों को भक्ति में ला सके। जैसे हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया था भक्ति में आने के लिए, हम पैदा सी कृष्ण भक्ति में नहीं थे, हमें भी वो धीरे धीरे धीरे, जैसे स्लो पॉइजन बोलते ना, इसे धीरे धीरे हम भक्ति में आए थे, हमको किसी ने रास्ता दिखाया, हम प्रसाद हम खा के हम भक्ति में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, और डिवोटियों का संग करके, और हमारे जो आचार्य, हमारे जो पूर्व आचार्य है उनके उनके लेक्चर सुन के, उनके बारे में उनके प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के, और जो हमारे महाराज है उनके लेक्चर सुन के, उनके उनके उनकी बुक्स पढ़ के, कई महाराजों ने अपनी बुक्स लिखे है तो वो पढ़ के हम आगे बढ़े हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तो ये जब मैं पढ़ रही थी क्लास रुका का तात्पर्य, तो मुझे यही बात याद आ रही थी कि हम दोनों टाइम ये भक्ति करते हैं। और इससे कनेक्टेड एक बात मैं बोलने वाली थी, याद आ गई थी मुझे कि जैसे परसों के दिन कुंजेश्वरी माता ने बोला था शाम के क्लास में कि हम अगर ये इस टाइम पे ये नहीं कर रहे थे तो क्या करते थे, जैसे 8:30-9 बजे हमारा खाना और क्या सब खत्म हो गया, फिर क्या करते थे, टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे, गॉसिपिंग करेंगे और मोबाइल लेके बैठेंगे। लेकिन हमारा एक जो ये नियम है क्लास का
भागवतम पढ़ने का, तो थोड़ा भागवतम पढ़ते हैं, थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है वो जो एक घंटा है ना वो इतना अच्छा जाता है कि जैसे सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा अंत भी अच्छा ही होता है। जैसे बोलते ना अच्छा अच्छा हम कुछ स्टार्टिंग हम अच्छा करेंगे तो हमारा अंत भी अच्छा होगा, उसी तरह जैसे हम हमारा दिन अच्छे से चालू होता है जैसे कीर्तन से चैंटिंग से, उसी तरह रात को भी हम ये जो क्लास क्लास सुनते हैं हम और हमारे पॉइंट्स ऐड करते हैं तो हमारा कैसे के जैसे क्लास खत्म होता है तो हमें इतना अच्छा होता लगता है कि जैसे वो वही सुन के जो बातें, और मेरे साथ तो कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे क्लास खत्म होता है और जब तक मेरी मुझे सोने करने को आधा पौना घंटा लगे तब तक वो बातें पूरा घूम जो भी सुना है वो दिमाग में घूमता रहता है, कुछ बातें भूल जाती हूँ लेकिन सोने के टाइम वो बातें भी याद आती है। तो इतना अच्छा होता है कि हम अगर ये नहीं करते तो हम गॉसिपिंग करते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल लेके बैठते थे, लेकिन सोने के टाइम अगर हम सोने के थोड़ी देर पहले भी हम ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं देखते होंगे लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो जो एक घंटा हम लोग सुनते हैं और हमारे पॉइंट्स ऐड करते हैं और समझते हैं वो हमें हमें थोड़ी देर तक और कई बार ऐसे रात को सोने के टाइम भी हमें वो याद आता है। तो हमारी ये हमारी एक बहुत अच्छी सेवा हम कर रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। और ये मैंने एक दो जन को जब क्लास के लिए इन्वाइट किया था तो अरे आप लोग रोज करते हो तो मुझे वो बताने में बहुत प्राउड हो रहा था, खुशी हो रही थी कि हाँ हम लोग रोज करते हैं सुबह शाम, सुबह को फर्स्ट कैंटो एंड शाम को फिफ्थ कैंटो। तो इसी तरह हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सूरत माधवदास प्रभु, उदय प्रेस प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। बहुत बढ़िया क्लास दिया और लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी डाउन है, फिर भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से माता जी समझाया हमको। थैंक यू सो मच। और जैसे आप देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट कल अपना जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इवन देवी देवताएं आते हैं भक्तों से मिलने और भगवान से मिलने के लिए। और जैसे इंद्र और विभीषण ये सब भक्त जो आते हैं वो अच्छे अच्छे भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान के लिए जब हम भक्ति करते हैं और सही में प्रामाणिक भक्त बनते तो हमें देवी देवताओं के पास जाने की भी जरूरत नहीं, वो खुद आते हैं मतलब बताने के लिए कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरह से भक्ति कर रहे हो। तो इतना पावरफुल है अपना ये कृष्ण भक्ति, तो इवन डेमीगॉड्स गेट अट्रैक्टेड। तो हमको डरने की जरूरत नहीं कि वो हमसे नाराज होंगे या ये, लेकिन हम लोगों का क्योंकि भक्ति ना उधर है ना इधर है इसकी वजह से हमको वो अनुभव नहीं हो रहा है। ना हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना भगवान की करते हैं, हम केवल अपना वो इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन अगर सही में जो सही भक्त है उसके मिलने के लिए खुद देवी देवता आते हैं प्रभावित होके, मतलब क्या अच्छा भक्ति करे क्योंकि वो भी खुद भगवान की भक्ति करते रहते हैं। बस एक ऐड करना था माता जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत। मटेरियल एग्जांपल हम यही दे सकते हैं प्रभु के, जैसे हम केजी वन और केजी टू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ग्रेड 10 और 10 खत्म होता है फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे जो सर होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं, हमारे जो टीचर्स होती है वो खुश होते हैं कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है और अपना फ्यूचर मतलब आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह देवी देवता भी हमसे प्रसन्न होंगे कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो बस यही ऐड करना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी मेरा आवाज जा रहा है? यस सर जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया और जैसे आप देवी देवता का पॉइंट अपने जैसे ही बताया तो भक्ति रस हमारे सिंधु में लिखा है कि जो भक्त होता है वो देवी देवता को जैसे आपने बताया वही चीज भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है कि वो देवी देवता का कभी अपमान नहीं करता, उनका दर्शन लेता है, उनको प्रणाम करके यही मांगता है कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए करके। और उसमें लिखा है क्योंकि वो जो देवी देवता है उनकी भी स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा है माता जी कि अगर एक शुद्ध भक्त के बारे में आपने बोला था तो एक शुद्ध भक्त है तो देवी देवता भी उनका एसोसिएशन करने के लिए लालायित होते हैं, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है माता जी। तो माता जी बहुत अच्छा क्लास था
और हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु जी का मैं क्लास सुन रहा था, तो बोले थे कि जैसे एक पाइथन है वो एक आदमी को पूरा निगल जाता है पूरा, तो अगर वही आदमी दूसरे आदमी को हेल्प करने जाएगा, मतलब उसको खींचने जाएगा, तो जो पाइथन है वो उसको भी अंदर खींचेगा, तो दैट इज अ काल। वो बोले इसलिए इसको इधर बोला गया है काल सर्प। तो इधर हम लोग किसी का भी मदद नहीं कर सकते, जस्ट हम लोग उनके लिए प्रे कर सकते हैं। तो ये गौरांग दर्शन प्रभु जी ने बताया था। और थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर एक सुबह सुबह कोई कुत्ता लेके जाता है तो कुत्ता भी हमें कंट्रोल करता है, जो डायरेक्शन में कुत्ता जाता है उधर वो उसका ओनर उसके पीछे जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अपना ये कंडीशन है, तो फिर भी हम लोग सब चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हरे कृष्णा माता जी, जय श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं मतलब कोशिश कर रहा था इसको समझने की, काफ़ी दिनों से मेरा क्लास सुनने का होता नहीं है, तो जब भी मेरा क्लास होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले वाले जितने भी श्लोक हैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैं पूरे नारद जी जब आते हैं उसके बाद का संवाद पढ़ रहा था, तो इतना फिलोसॉफिकल है और एट द सेम टाइम नॉट ओनली इट्स फिलोसॉफिकल बट इतनी छोटी छोटी बातें प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक एक सेंटेंस में बताई, जस्ट सिंपल एक सेंटेंस के अंदर उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त कैसे होता है। उसके बाद में दूसरा एक प्रश्न उठता है इसके अंदर कि जो अपने नारद जी को वहां पर मतलब हस्तिनापुर में आने की क्या आवश्यकता पड़ी। उसके बाद में नारद जी अगर हस्तिनापुर में आए हैं तो एक शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त कौन है, पांडव पूरे शुद्ध भक्त है, तो पांडव में जो शुद्ध भक्त है उनको तो ये होना नहीं चाहिए कि भाई मतलब एक प्रकार का शोक नहीं होना चाहिए, तो युधिष्ठिर जो शुद्ध भक्त थे उनको शोक क्यों हुआ। इसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इतनी सुंदरता से समझाया है। और उसके बाद में आगे अगर हम चलते हैं तो जब भी युधिष्ठिर महाराज को ये समझाते कि तुम शोक कर रहे हो तो शोक तुम किस चीज का कर रहे हो, तो उसके पर जो आज का श्लोक था वो जो है मतलब कनेक्टेड था उसके ऊपर। उसके अंदर श्रील प्रभुपाद कितने अच्छी तरह से समझाते हैं कि भाई जो देह है, देह पांच चीजों से बनी हुई, जो श्लोक में बताया तो उसका श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि अगर हम इसका पूरा फ्लो पढ़ें एक साथ में, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम व्हेन नारद कम्स इन टिल आज के श्लोक तक, तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि भाई एक शुद्ध भक्त भी कैसे भ्रमित हो सकता है, मतलब क्योंकि वो भगवान की लीला है और भगवान उसके माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्त एक युधिष्ठिर है वो भ्रमित हो गए हैं, उसके बाद में नारद जी आते हैं, नारद जी आके उनको समझाते हैं और नारद जी किस प्रकार समझाते हैं और क्या उदाहरण देते हैं, तो ये सब चीज अगर हम एक फ्लो में पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगता है। इस कारण से जब भी अगर हम भागवतम सुनते हैं या भगवान भागवतम पढ़ते हैं तो उसको छोड़ने का दिल नहीं होता, यानी कंटिन्यूटी हमको चाहिए। फिर बोले इसके आगे क्या होगा, अच्छा ये तो हो गया, मतलब हर जो डाउट्स हमारे मन में उत्पन्न होते हैं जब ये संवाद पढ़ने से, तो वो उसी समय श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से हमको उसकी क्लैरिटी मिलती जाती है। तो यही एक पॉइंट इसमें शेयर करनी थी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा ब्रज प्रिया माता जी, बहुत अच्छा क्लास दिया आज, डाढ़ो सुठो लगो। ओके, कुछ सवाल पूछ रहे हैं जी कि सिंधी मतलब अभी जैसे कुछ हमारे सिंधी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मतलब उसका ही क्वेश्चन है कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ये उनका थॉट प्रोसेस है, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ कि उनके बारे में आप क्या बोलोगे माता जी। तो ऐसे मैंने मतलब हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स में आओ और ऐसे आप अटेंड करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको पता चलेगा, तो उनका हमेशा ये होता है ताकि खबर होंगी आम तोड़ते हुए छा चौंदैन भाई, हमको भगवान को ही याद करना है ना, तो हम क्यों मुंह जुबानी उनको मतलब याद करें, मन में ही होना चाहिए ना भगवान, तो मन में है हमारे, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, और कितने लोग टीवी देखते देखते भी ऐसे मैंने सुना था वो चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं हम हमारा ध्यान तो चैंटिंग में ही है, भले हम टीवी देख रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान भगवान में ही है,
एंड में हमको भगवान का स्मरण करना है ना, अभी से ही हमारे मन में भगवान है, हम काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, हमको वही करना है ना, तो हमारे मन में है, ऐसा मत सोचो कि नहीं है, हमको इधर प्रोग्राम्स में आने की जरूरत नहीं है और हमको ये सब सुनने की भी जरूरत नहीं है, और मुंह जुबानी भी क्यों भगवान का नाम लें जब मन में ही भगवान है, तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? और ऐसे और कितने लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कर्म करने, भगवान ने तो कर्म करने को बोला है ना, तो हम तो कर्म कर रहे हैं ना, फिर क्यों मतलब हम अलग से दिखावा करें या मुंह जुबानी करें, तो उसी से ही भगवान प्रसन्न होंगे क्या? भगवान ने तो गीता में खुद बोला है कि कर्मनिवाद का रस्ते, तो वे ये चौदह इनके मना असा के तो भगवान ये चाहो थे कि भाई कर्मनिवाद का रस्ते, कर्म तू कर माँ तू फल जी इच्छा न कर, यो भगवान चाहो थे असा के असा कर्म कहूँ था पहनो, मतलब ऐसे वो लोग बोलते हैं कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं ना, फिर और मन में भगवान को याद कर रहे हैं, याद करते करते अपना कर्म कर रहे हैं, तो फिर ये सब करने की हमको जरूरत ही नहीं है, हम भले आए ना आए, तो ये प्रभु हरे कृष्ण जया, क्वेश्चन खत्म हुआ तेरा? हाँ माता जी क्वेश्चन खत्म दियो। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, मैं बता पाऊंगी, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन सुनते हैं लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे सामने होता है ना तो हम उनका 1-to-1 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, मेरा तो ऐसा ही है, अगर मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करता है किसी बात पे तो मैं उनको फिर वो एक एक वैसे बता सकती हूँ, क्योंकि अभी जैसे तूने बताया तो मुझे तो एक वो शिक्षाष्टकम प्रभु जो है नासिक में प्रचार करते हैं, वो उनका मुझे एक बात सिर्फ है तो बड़ी बात लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि उनका एक लेक्चर मैंने सुना था, तो उसमें जो बताते हैं कि लोग कहते हैं ना कि आप लोग इस्कॉन वाले दिखावा बहुत करते हो, धोती कुर्ता ये पहनने का और कीर्तन करने का, जोर जोर से चिल्लाते हो, डांस करते हो, सब करते हो, तो आप लोग ये दिखावा बहुत करते हो, तो मुझे पूरा डिटेल नहीं याद है बट इतना याद है कि वो बोलते हैं कि जब आप लोग मैच देखने जाते हो तो आप लोग क्यों चिल्लाते हो, आप लोग क्यों दिखावा करते हो, वो तो मटेरियल ये है, हम तो जो करते हैं वो मतलब कृष्णा की भक्ति के हिसाब से करते हैं, तो आपको दिखावा लगता है, और आप लोग जब चिल्लाते हो, आप बैटिंग करते हो, आप पैसा लगाते हो और आप चिल्लाते हो, तब आप लोग ये दिखावा क्यों करते हो? और दूसरी बात ये कि अंत अभी जैसे कोरोना के टाइम में हमने देख लिया कि किसी का कुछ वैसा वो कोई टाइम नहीं होता है, कि जैसे ये मेरा भी मेरा एक अनुभव है कि मैंने बताया था पहले कि मैं ज्यादातर जैसे हमको आदत होती है कि बाहर निकलते हैं तो भी हम चेंटिंग बैग साथ में ही लेते हैं, और अब मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैं कई बार बालकनी में खड़ी रहती हूँ या रस्ते में चलती हूँ ना, तो दूर से किसी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे अपना कोई डिवोटी आ रहा है क्या, उसके होगा उसके हाथ में और कुछ, लेकिन उसके जो किसी किसी का हाथ ऐसा होता है ना तो अपने को लगता है कोई सामने से डिवोटी आ रहा है, उसके हाथ में चेंटिंग बैग है, तो ऐसा जैसे एक आदत से मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो मेरा अनुभव एक ऐसा हुआ था कि मैं चेंटिंग करके आ रही थी और कोई रिलेटिव था वो सामने मिले तो वो मुझे बोला क्या यार तू हमेशा देखते है, मैं तुझे देखता हूँ तू ये पोटली लेके घूमती रहती है, तो मैंने बोला हाँ ये पोटली ही मुझे अंत समय में काम आएगी, अरे यार अभी तेरी एज क्या है, मैं बोला उम्र का तो कुछ होता ही नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अरे जो 80 इयर्स के, आज हमने खुद ने कोरोना में देखा है कि 80 इयर्स का हो के 90 इयर्स का हो वो भी कोरोना से एक बार क्या दो बार कोरोना होके भी वो बराबर बैठा है, और जाने वाला तो 25-30 की उम्र में भी चला गया, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें उम्र का कुछ हिसाब नहीं होता है, और सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें हम जो बोलते हैं तो उनको हमारा किया हुआ कई बातें उल्टी ही लगती है कि आप लोग ये करते हो, आप लोग ये करते हो, आप लोग ये करते हो, क्योंकि उनको वो नहीं करना है, वो नहीं कर रहे इस वजह से, और हम लोग जो करते हैं वो परंपरा के हिसाब से होता है और शास्त्रों के हिसाब से होता है, और उनका कैसा है, उनका टीवी देखेंगे, उनको टीवी और ये सब नहीं छोड़ना है, उनको क्या बोलते ना दोनों पैर रखने इधर इधर से फिर उसे हिलते रहते हैं, और फिर कभी जब कई बार ऐसे बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं या कुछ होता है तो हे भगवान मैं आपको 5 नारियल पढ़ूंगा 10 नारियल पढ़ूंगा, अगर पहली सबसे पहली बात तो ये उनको ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, वो लोग सबको भगवान बोलते हैं, वो तो वो लोग जो निर्मल बाबा होगा कि कोई भी होगा उनको भी वो लोग भगवान के जैसे ही मानेंगे, सब कुछ करेंगे, कई बार तो हमने दामोदर आरती करने जाते हैं तो हमने ये भी देखा है कि उनके जो भगवान के मतलब जो डेमी गॉड्स की भी बोले के भगवान कृष्णा का जो मूर्तियों का फोटो का उनकी भी ऐसी हालत होती है ना
कि उससे अच्छा है कि तुम घर में किसी का भी फोटो मत रखो। हमने तो एक मंदिर में देखा था कि वो दिवाली का टाइम था और हम लोग दामोदर आरती करने गए थे और वो मंदिर को उन्होंने पूरा लाइट से ऐसा बंद करके, जैसे मंदिर को उसने पूरा बांध दिया था लाइट से। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि हम मतलब जैसे जिसको पता होता है वो लोग क्या करते हैं कि उनको जो जैसे वहम भी होता है कि अरे नहीं नहीं हम देवी देवता को मंदिर में से निकाल के रख देंगे और हम सिर्फ कृष्णा को पूछेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे पे पनौती लग जाएगी, ये होगा। लेकिन उन कहीं जिनको पता होता है वो लोग या मैं किसी को बोलती हूँ वो लोग अगर नहीं मानते हैं तो मैं बोलती हूँ एटलीस्ट आप इतना करो कि एक साइड डेमीगॉड्स को रखो और एक साइड आप कृष्णा को रखो। और अगर वो लोग नहीं सुनते इस हिसाब से तो हमें उन जो जिसकी तो बात करे रिलेटिव्स की फ्रेंड्स की उनको तो परंपरा का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता और भगवान एक है श्री कृष्णा, वो उनको डिफरेंस पता होना चाहिए फिर हम आगे उनको कुछ बोल सकते हैं। और मेरा तो ऐसा ही होता है कि मैं सामने कोई होता है और 1-to-1 उनके उनके उनका जो आर्ग्यूमेंट वो लोग करते हैं या कुछ भी पूछते हैं बताते हैं, क्योंकि वो लोग का तो कैसा है अभी जैसे मैं हम देखते हैं कितनी सीरियल आती है कृष्णा सीरियल ये सीरियल, तो मुझे कितने लोग मेरी खुद की भाभी मुझे बोलती है अरे कृष्णा सीरियल नहीं तो इतना मस्त दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसमें कितना सच होता है क्योंकि अभी तो कैसा है कि मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही काफी सीरियल आती है। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगी लेकिन एक जैसी बात है कि हम कहीं बार मतलब वो पता ही चल जाता है कि वो जरा भी हम अगर एपिसोड आधा भी देख ले तो लाइन भी देख लेना तो हमको अंदाजा आ जाता है कि ये सिर्फ बस लोगों को इमोशनली वो करने का है और एंटरटेनमेंट के हिसाब से। बाकी जो हाँ ऐसा बोल सकते कि जो पहले के टाइम में आता था महाभारत और रामायण सब, वो फिर भी मतलब रामायण सागर का जो था वो फिर भी मतलब ऐसा था कि वो मतलब मुझे थोड़ा समझ में आया था, लेकिन आज अभी जो बताते हैं वो कोई भी कुछ भी समझ का ऐसा नहीं है। और जो जो लोग तो जिनकी तू बात करी है उनका कैसे होगा कि उनको ऐसा अरे हम भगवद गीता भागवतम ये सब नहीं पढ़ते लेकिन हम ये जो सीरियल है ना उससे हम अमन को हमारा ज्ञान बढ़ा रहे, तो उसमें क्या होता है वो लोग अपराध ही करे, एक तो वो ज्ञान अधूरा है, बोलते ना आधा ज्ञान ज्यादा डेंजर होता है, तो या तो कुछ भी नहीं वो करो क्योंकि वो पता भी नहीं है तुम्हें कि वो इमोशनल और एंटरटेनमेंट के हिसाब से बाकी वो कितना सच है। लेकिन क्या उनको अपने हाथ पैर मुंह चलाना नहीं है जबकि हमको पूरा शरीर हमारा भक्ति में ही लगाना चाहिए, भक्ति में यूज करना चाहिए। इवन हम हमारा पैर भी जमीन पे रखते हैं तो हमें जमीन को भी दंडवत ये करके नमन करके बोलना चाहिए कि हम जैसे मेरी आदत है कि हमें धरती माँ का भी शुक्र मानना चाहिए कि हमें हम पैर रखते हैं धरती माँ के ऊपर कि हम पूरा शरीर हमारा भक्ति में यूज करें। ये तो ऐसा हो गया कि सूरज की रोशनी भगवान सूरज की रोशनी सबको चांद में चांदनी भी भरी है कृष्णा ने और सूरज के में सूरज की रोशनी होती है वो भी कृष्णा ने क्या कृष्णा का ही है, कृष्णा ही सूरज के की रोशनी हमें देते हैं। लेकिन अगर सबको कृष्णा तो सबको सब कुछ देते हैं लेकिन कैसा है कोई उसको एक्सेप्ट करता है और कोई नहीं करता है। हम कृष्णा जो सूरज की रोशनी होती है वो सबको भगवान देते हैं लेकिन अगर कोई अपने दरी दरवाजे खिड़की दरवाजे बंद कर देगा जरा भी रोशनी अपने घर के अंदर आने नहीं देगा तो वो कसूर किसका है, भगवान का नहीं है उसका खुद का ही है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि देवी देवता कौन है और श्री कृष्ण भगवान कौन है, तब हम उनको आगे समझा सकते हैं। तो उनको उनके लिए बेस्ट यही होगा कि मैंने पहले भी सुना था कि गोपी मनो प्रभु ने बोला था जिनको जो बोलना है जो क्वेश्चन आंसर जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए हमारा क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी। सॉरी जितना मुझे पता था उतना ही मैंने बोला है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ये भी उन लोगों का जो धारणा है आपने उसको भी बताया कि स्पष्ट रूप से कि कैसे मतलब वो क्या सोचते हैं। और यही बात मुझे भी लगती थी जब मुझे एक्चुअली ये सुनने को मिला था और मेरा मतलब डायरेक्ट एक मतलब ये क्वेश्चन उनके तरफ से मतलब मुझे ऐसे सुनने को मिला था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं और कुछ कुछ लोगों को मैंने खुद अपने कानों से सुना था ऐसे बोलते हुए, तो मुझे तो तभी पता चल गया था कि जैसे आपने जो बोला पूरा जो एक्सप्लेन किया वो इस चीजें मेरे मन में भी थी कि मतलब वो लोग नहीं करना चाहते हैं इसीलिए ही वो
ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं एक तरह से कि भाई मेरी आत्मा तो भगवान से ही जुड़ी हुई है, अंतरात्मा में भगवान है, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम सब कर रहे हैं इतने सारे, मतलब मैं उनको बताती हूँ कि भाई इतने फॉरेन मतलब फॉरेन के डिवोटीज कर रहे हैं, उसके इसके अलावा क्या चाहिए और आपको, ये आप देख नहीं पा रहे हो क्या? काफी ऐसे सिर्फ सिंधी ही नहीं है, और भी लोग हैं हम बोल सकते हैं जो मतलब नॉर्थ इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे मतलब एक सेंटिमेंटालिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो मन में है ना ऐसे। तो तब मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों को करना ही नहीं है, तो फिर व्यर्थ है मैं इनको बार बार बोलूं या इन्वाइट करूं क्लास के लिए। शायद इनको वो मतलब प्रे ही कर सकते हैं इनके लिए कि इनके मन में जब भगवान खुद वो बीज भक्ति बीज मतलब बोएंगे तभी वो आएंगे। मैं कितना भी इनको समझाऊं वो नहीं समझ में आएगा जब तक भगवान की कृपा नहीं है। ये भी मुझे किसी डिवोटी ने बोला था, आई थिंक नंद प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, नंद प्रभु जी ने ही बोला था एक बार कि भगवान की कृपा होगी तो वो उनको लोगों को समझ में आता भी और वो क्लास में आते भी है। तो मेरे तो अटेम्प्ट जैसे व्यर्थ है। हम तो सेवा समझ के करते हैं ना माता जी की, हम उनको बुलाते हैं क्लास के लिए। अब अगर वो आए नहीं आए वो तो उसकी मर्जी और भगवान के ऊपर है कि वो बुलाना चाहेंगे उनको तो वो आएंगे। बट मैंने एक सुना था कि ऐसे से उनकी धारणा है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने उनको देखा ऐसे बोलते हुए, तो इसलिए पूछा ये, मतलब कि ये मुझे भी क्लैरिटी हो गई कि हाँ जो मैंने सोचा था उनके बारे में वो सही है, उनको करना ही नहीं होगा, या मतलब अभी नए है या अभी उनके मन में वो बीज भगवान ने डाला नहीं मतलब बोया नहीं है ना, इसीलिए शायद पता। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, थैंक यू माता जी। उनको जया, उनको एक दो लाइन ये भी बतानी चाहिए जैसे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि केवल मनुष्य जो मोक्ष प्राप्त कर सकता करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और वो भी क्यों क्योंकि उनकी जो बुद्धि तथा उनका मन जो अत्यंत उनका मन और बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं, और मनुष्य जीवन में ही वो लाभ उठा सकते हैं। क्या जानवर होते हैं, वो थोड़ी भागवतम और भगवदगीता पढ़ते, तो इस मनुष्य जीवन में ही वो लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये जीवन में जो अनेकों जन्म और जन्म लेते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो उनको बोल बताना चाहिए जैसे वाकई में आज मनुष्य की बुद्धि और उनका उनका जो मन है ना अत्यंत विकसित है, तो वो भगवदगीता भागवतम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं पढ़ सकते। तो हमें यहाँ से हमें मोक्ष ले मोक्ष प्राप्त करना है। और दूसरी बात है कि उनको अगर ये अभी मनुष्य जीवन में अगर ये लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, बस यही चक्कर में घूमते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते रहेंगे। तो उनको ये उनको बेस्ट है जैसे हम भी थोड़ा थोड़ा करके भक्ति में आगे बढ़े प्रसादम खाके, तो तुम भी वो कर सकती हो, प्रसादम के बहाने उनको घर पे बुला के उनको प्रसादम खिलाओ, उनको प्रचार करो, ऑनलाइन प्रचार करो। वो बोलते ना मछली को फंसाने के लिए हम जो कांटे में कुछ खाने की चीज अटका के फिर हम पानी में उसको स्टिक को डालते हैं तो मछली जल्दी फंस जाती है, तो उसी तरह हमें उनको प्रसादम के लिए बुलाना है उनको। और वैसे भी आज ये कॉमन है बात होती है कि किसी को अगर किसी के पेट में घुसना होता है तो प्रसादम के थ्रू ही हम जा सकते हैं खाने के थ्रू ही। तो हमें ऐसे लोगों को घर पे एक दो बार बुला के प्रसादम खिला के ऑनलाइन प्रचार करके, और हमारी हमारे जो क्लास का मैं हमेशा बोलती हूँ जो क्लास है उसके बारे में बता के, क्योंकि हम डिवोटी बनने का प्रयास करें, हम डिवोटी नहीं है लेकिन संग रखेंगे, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हम उनको भी प्रचार वही करेंगे। तो प्रसादम के लिए बुला के उनको समझा के उनको क्लास के बारे में बता के क्लास अटेंड करेंगे तो उनको कई बातें सुनने मिलेगी, समझने मिलेगी, और उनके जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। तो ये एक सेवा तो कर सकती है। हरे कृष्ण जी। माता जी जरूर, माता जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से फिर से एक बार बताया कि इन लोगों को कैसे हम मतलब हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो थैंक यू माता जी, मैं प्रयास करूंगी कि मैं ये सब करने की पूरी कोशिश करूं। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें हम लोग अगर मतलब बात करते रहे तो और चलेगा, तो बस तो यही हुआ कि अगर जो मतलब इनको हम लोग ऐसा किसी तरह से जैसे आपने बोला ना किसको कनेक्ट करें हम लोग ठीक है, ये लोग मतलब जो भी बोले हम लोग ये लोग आर्ग्यू करते रहेंगे, तो बेस्ट यही है इनको थोड़ा सा जो है ना हम लोग स्लो पॉइजनिंग जैसा है ना हम लोग करते धीरे धीरे प्रसाद खिला के इनका माइंड चेंज करते रहना चाहिए, और जब फिर भक्ति में आएंगे और फिर इनको कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा इनको। अभी घड़ा जो है उल्टा है, कितना भी पानी डालेगा वो जाएगा नहीं अंदर, वो
तो इसके लिए जो है इनको पहले शुद्ध करना पड़ेगा धीरे धीरे प्रसाद से, कीर्तन से, थोड़ा सा साधुओं के संग से, तो फिर ये होगा। तो थैंक यू व्रजप्रिय माता जी, जया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा माता जी ने, वैसे ही बिफिटिंग पक्का जो आंसर दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यस माता जी, ये क्वेश्चन से कनेक्टेड जो एक हमें इसी से सीखने मिलता है, जैसे धृतराष्ट्र जो थे उनका सौभाग्य इतना अच्छा था कि उनको उनके छोटे भाई के रूप में विदुर जी मिले थे, जो उनको सुनकर उन संसार के सारे मतलब बोलते खातों को बंद करके उन्होंने गृह त्याग किया। तो वैसे ही हमारा भी सौभाग्य अच्छा है कि हम महाराज लोग को सुनते हैं, प्रभुपाद जी बुक सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो उनका भी सौभाग्य अच्छा हो सकता है धृतराष्ट्र की तरह के प्रसाद हम खिला के उनको क्लास में लेके आए और उनके डाउट क्लियर करें। वो ब्रह्म में है, वो लोग उनको ऐसा लगता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो लोग जब इस क्लास में मतलब ये क्लास हो या जो कोई भी हमारा जो कृष्णा से जो क्या बोलते हैं परंपरा से, वो उसकी बात कर रही हूँ कि जो क्लासेस है या हम हमारे क्लास की बात करें उसमें आएंगे थोड़ा थोड़ा, भले उनको बोलने का भले थोड़ी देर के लिए आऊं लेकिन आएंगे तो उनका भी धृतराष्ट्र की तरह ही क्या बोलते हैं सौभाग्य खुल जाएगा और आगे बढ़ेंगे। तो उनको यहाँ का पता दे दे जया, और जैसे गोपी मनो प्रभु ने बोला ना कि ये टॉपिक ऐसा है कि जितना भी बोलो उतना कम पड़ेगा, एक घंटा दो घंटा, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर होते ही रहेंगे। तो उनको प्रसादम के लिए बुला के ऑनलाइन का क्लास का बता के, हमारे क्लास का बता के उनके डाउट और उनका जो भ्रम है वो क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ माता जी, अभी जैसे आपने बोला था ना कि वो उनको थोड़ी देर का बोल के, इस बार जो लड़की आई थी ना पूजा, उसको भी मैंने यही बोला था, क्योंकि मुझे भी पुंडरिक जो वल्लभ प्रभु का बेटा है ना, उन्होंने वो एक बार बोला था, मैंने बोला बहुत सुबह उठना पड़ता है, उसने बोला थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो जो हम सुनते हैं वही हम दूसरे यूथ को भी बोलते हैं। तो आपने जैसे बोला था उनको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कितने लोग हैं नए हैं, आना नहीं चाहते, या मतलब उनको ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना घंटे बैठना पड़ेगा, तो मैंने उनको पूजा को वही बोला कि नहीं नहीं थोड़ी देर ही आ जाओ ना, भले थोड़ी देर भी आके चले जाओ। तो वो जितनी देर माता जी, आई थिंक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अलानंदिनी माता जी का उस दिन क्लास था संडे को, वो माता जी ने जैसे ही क्लास खत्म किया वो चली गई, क्योंकि उसको बाहर जाना था शायद, अपने भी कमिटमेंट्स होते हैं मटेरियल लोगों के। तो वो मैंने उसको वही बोला था प्लीज अभी आ जाओ, थोड़ी देर के लिए भी आ जाओगे तो चलेगा। वो मुझे इतनी खुशी हुई कि उस थोड़ी देर के लिए भी मैं कुछ सेवा कर पाई कि मतलब भगवान ने मुझसे कराई, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं की, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं कराऊं, भगवान ने ही कराई, पर इतनी खुशी हुई कि थोड़ी देर के लिए भी उसने भगवान के बारे में सुना, और सुना तो सही। तो वो आई और उसके बाद वो एकदम जैसे ही क्लास खत्म हुई माता जी की शायद वो चली गई, तो बहुत खुशी हुई कि मतलब थोड़ी देर के लिए बोला तो थोड़ी देर के लिए आई सुना, और मैं भगवान ने मुझे सफल कराया, क्योंकि उन्हीं ने ही करवाई ये सेवा, मेरे से तो नहीं हो सकती। तो वो आई तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैंने उसको वेलकम भी किया कि तुम आई, क्योंकि उसको बहुत समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे डाउनलोड करना है, कितने लोग नए हैं। तो बहुत मुझे आपने जैसे बोला ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हमको बहुत खुशी, हमको खुद को ही मिलती है खुशी एक्चुअली कृष्णा की सेवा करके। तो ये अच्छा पॉइंट है, मैं भी ऐसे कोशिश करूंगी प्रसाद खिला के और थोड़ा इनको क्लास के बारे में बता के। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो मिलता है ना, मेरे बिल्डिंग में भी अगर कोई होता है मैं उनसे बातें करना शुरू जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसको भी मैं क्लास में बुला लूँ, उसको भी मैं इसको, तो ऐसे पागल भले वो सोचे कि ये तो पागल ही हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है अब मैं वही करूँ बस अब, क्योंकि हम सुबह शाम अटेंड करते रहते तो पूरा टाइम दिमाग में वही घूमता है कि कैसे सेवा करें, कैसे ये भक्तों के बीच में रह रहे कि हमको भी यही सोचता है कि और कुछ हम करें ही नहीं, यही करते रहे बस, सिर्फ आपको क्लास के लिए इनवाइट करें, तो हमारी फैमिली और भी बढ़ेगी और लोगों की भी अच्छा होगा कि वो भी भगवत धाम जाएं। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, ऑल द बेस्ट, जय हरे कृष्णा। आज किसकी नर्सी मारती है या किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो? हरे कृष्णा माता जी, आपका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता, श्री प्रभुपाद की जय।